बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरी की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैंने मैदा लिया था, 1 कप वाइट आटा लिया था, और 3 टेबल स्पून जो है मैंने सूजी के लिए थे, और 2 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल के लिए थे। इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से हम आपस में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है थोड़ा सा ज़रा हार्ड इसका डो हमने गूंद लेना है। बहुत हार्ड भी ना हो, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, नॉर्मल डो जो वो हमें गूंद लेना है। लेकिन रोटी से थोड़ा सा ज़रा हार्ड ही गूंदना है इसका डो हमें। और ये जो है मैंने गूंद लिया था डो, इसका बना लिया था। और अब इसको हम जो है कवर करके तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बाहर। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर आप इसको फ्रिज में करके रखिएगा। और ये जो मैंने इसे अच्छे से कवर करके रख दिया था, और फिर जब मैंने इसको तैयार करना था तो मैंने इसे निकाला है दोबारा, थोड़ा सा और इसको गूंद के, और फिर जो है हम इसकी अब पूरियां बनाएंगे। मैंने थोड़े बड़े साइज़ की पूरियां बनाई थी क्योंकि कढ़ाई जितनी थी मैंने सोचा मैं पूरे उसी हिसाब से बना लूँ। छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाऊँ बहुत देर लग जाती है, गर्मी का मौसम वैसे ही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया था। अगर आपने छोटी पूरियाँ बनानी हो तो फिर आप पेड़ा थोड़ा छोटा ले सकते हैं। अब ये मैंने इसको घी जो था, ऑयल जो था, उसमें मैंने इसको लगाया था। बेलन पे भी हमें लगा लेना है, और जहाँ हमें इसको बेलना है उस जगह पर भी हमें ऑयल लगा लेना है ताकि अच्छे से हमारी जो है पूरी बेल जाए। और इस तरह से मैंने जो है इसको बेल लिया था। और दूसरी तरफ हमने ऑयल जो था वो बहुत गर्म रखा हुआ था पकने के लिए। इसके लिए ऑयल बहुत तेज़ गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में अगर डालेंगे या नॉर्मल गरम ऑयल में अगर डालेंगे तो वो जो है फिर सही नहीं रहेगी। ये मैंने बेल लिया और मैंने बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल में जो है इसको डाला था। और डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने जैसे प्रेस करेंगे तो ये फूलने लग जाती है, और फिर जो है हमें फ़ौरन इसको टर्न कर देना है। ऑयल अच्छा गरम होगा तो ये ब्राउन भी अच्छी हो जाएगी, अगर ऑयल अच्छा गरम नहीं होगा तो ब्राउन भी अच्छी नहीं होगी और बहुत कड़क हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, वो कच्ची रहेगी। और इसी तरह से जो है ये मैंने दोबारा भी जो है वो डालकर तो फ्राई कर दी थी। इसी तरह से सारी बना लेनी है जितनी आपने बनानी हो, जितनी आप चाहें बनाना। और ये हमारी जो पूरियां हैं ये रेडी हो गई हैं। बनाएं, एंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।